ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कजरी तीज व्रत के बारे में आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। कजरी तीज व्रत की कथा सुनाएंगे आपको, क्योंकि इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है कजरी तीज का व्रत। और साथ ही साथ आपको शुभ मुहूर्त भी बताएंगे कजरी तीज के लिए। तो ये वीडियो बहुत खास है। कमेंट में आप सभी एक बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पांचांग के अनुसार कजरी तीज का जो व्रत है इस साल, वो भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाएगा। हर साल ये तृतीया तिथि को ही रखा जाता है, भाद्रपद यानी कि भादो महीने में। कजरी तीज का व्रत माताओं बहनों में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख करके पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन और संतान सुख की प्राप्ति की कामना करते हुए माता पार्वती के स्वरूप निमड़ी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं कजरी तीज का व्रत अच्छा वर पाने के लिए रखती हैं। माताएं बहनें बहुत सारा व्रत करती हैं। आप सभी जानते हैं कि एक व्रत है जीतिया का, जो कि निर्जला, वो भी किया जाता है। वैसे ही इसमें भी जल तक नहीं लेती हैं अपने पति के लिए। तो ऐसे माताओं बहनों के लिए सबसे पहले तो एक बार आप ये सोचिए अखवन करके कि आपके मन में क्या आता है। आप चाहे लड़का हैं, लड़की हैं, यानी कि मैन हैं या वुमेन हैं, हर किसी की माँ होती है। और माँ अगर इतना सारा, मतलब स्त्रियां इतना सारा त्याग करती हैं अपने जीवन में, इसको अप्रिसिएट करते हुए आपके माइंड में अगर एक वर्ड में कहा जाए तो कौन सा शब्द आता है, ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कजरी तीज व्रत के शुभ मुहूर्त को, फिर आपको हम इसकी कथा सुनाएंगे। कजरी तीज का व्रत हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर आता है, ये तो हम आपको बता दिए। लेकिन पंचांग के अनुसार इस बार भादो के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 24 अगस्त की शाम 4:05 से स्टार्ट, यानी कि आज अभी स्टार्ट हो चुका है। 25 अगस्त को शाम 5:18 तक रहेगी। उदय तिथि के दिन व्रत रखने के नियमानुसार कजरी तीज का व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा, यानी कि कल आप रखेंगे, और अगर आप सुबह सुबह देख रहे हैं तो आज रखेंगे। कजरी तीज व्रत की कथा अब आइए श्रवण करते हैं। कजरी तीज व्रत की कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार साहूकार के 7 बेटों में से सबसे छोटा बेटा अपाहिज था और उसे वेश्यालय जाने की बुरी आदत भी थी। वहीं उसकी पत्नी पतिव्रता और आज्ञाकारी नारी थी। वह सदैव पति की सेवा में लगी रहती थी। वो पति के कहने पर उसे कंधे पर बैठा करके वैश्यालय तक भी ले जाती। एक बार वह पति को वैश्यालय में अंदर छोड़ करके वापस आ रही थी, तो वह वहीं पर नदी के पास बैठ करके पति के वापस आने का इंतजार करने लगी। तभी मूसलाधार वर्षा हुई और नदी बढ़ने लगी। तभी इस नदी से एक आवाज आई कि आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी पिया प्यालरी हो। यह सुनते ही उसने देखा कि दूध से भरा हुआ एक दोना नदी में तैरता हुआ उसी की ओर आ रहा है। उसने उस दोने के सारे दूध पी लिए। इसके बाद ईश्वर की कृपा से उसका पति वेश्याओं को छोड़ करके उससे प्रेम करने लगा। इसलिए सह करके पत्नी ने ईश्वर को खूब आशीर्वाद दिया और नियम पूर्वक कजरी का व्रत पूजन करने लग गई। कजरी तीज की व्रत कथा और भी है, हम आप सभी के लिए आगे अगले एपिसोड में बताएंगे जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी कब है और उसकी कथा क्या है श्रवण करेंगे। तो नई वीडियो को पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।